और बाय में आ जाएगा परचेज, एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट बाय परचेज, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर दें। इसकी एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में, गुड्स से विड्रो फॉर पर्सनल यूज, अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से माल निकाला उसको बोलते हैं आरआर करना, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉइंग। बाय में आ जाएगा अल्ट प्लस सी से, आप यहाँ पे ड्रॉइंग का लेजर बना देंगे, ड्रॉइंग अकाउंट। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव अमाउंट 20,000। और माल निकाला है तो टू में आ जाएगा परचेज, एंट्री हो जाएगी बाय ड्रॉइंग टू परचेज, एंटर करके सेव कर देंगे। इसकी एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में, अल्ट प्लस सी से लेजर बनाएंगे लॉस बाय गिफ्ट का। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सिर्फ अमाउंट। और केस चोरी हुआ तो टू में आ जाएगा केस, एंट्री हो जाएगी बाय लॉस बाय थिफ्ट टू केस, एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिए। खरीदा हुआ माल वापस कर, इसकी एंट्री आप करेंगे डेबिट नोट में, लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, इसके लिए आप F11 प्रेस करते हैं तो आप अकाउंटिंग फीचर्स पे आ जाएं। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज डेबिट क्रेडिट नोट, इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। अब परचेज रिटर्न की एंट्री आप इसमें करते हैं डेबिट नोट में, आप यहाँ से डेबिट नोट सेलेक्ट कर देंगे। खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं तो माल जा रहा है, केस आ रहा है, बाय में आप लिखेंगे केस अमाउंट और टू में आ जाएगा परचेज रिटर्न, अल्ट प्लस सी से परचेज रिटर्न का लेजर बना लेंगे। अंडर में ही आ जाएगा परचेज अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे। एंट्री हो जाएगी बाय केस अकाउंट टू परचेज रिटर्न, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे और मिला लीजिए बैलेंस। किस चीज की सही आ रही आप लोग सही है, पीछे आप पूरे सही है। मोहन क्या नाम है इसका, मोहन है, मोहन जो भी आप सही आ रहे हैं। आप बताइए मुस्कान आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड क्या होगा? जिसके लिए क्या हुई, देखिए एक्रूड इनकम एक होती है, एक्रूड एक होती है अनएक्रूड। अनएक्रूड इनकम वो रहती है जो आपको एडवांस में मिल जाती है, और एक्रूड इनकम वो रहती है जिसके लिए आपने सेवा दे दी लेकिन इनकम मिलना अभी बाकी है। मतलब अपन ने अपनी तरफ से काम तो दे दिया लेकिन अपन को अभी इनकम मिलना बाकी है। उपार्जित आय जो अपन को प्राप्त होने की लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई, मिलना है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, वो हो जाएगी एक्रूड। और अनएक्रूड वो हो जाएगी जो आपको एडवांस में मिल जाएगी, उसके लिए सेवा देना अभी बाकी है, वो हो जाएगी अनएक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जो रहती है वो अभी तक आपको मिली नहीं है, उसकी जब आप वाउचर एंट्री करते हैं, एंट्री आप करते हैं F7 से जनरल वाउचर, क्योंकि अभी तक अपन को प्राप्त नहीं हुई। और आप बाय जब आपको मिल जाती है तब जैसे आपको कमीशन मिलना था, कमीशन आपको मिल जाता है तब आप एंट्री करते थे रिसिप्ट वाउचर में बाय कैश टू कमीशन, क्योंकि इनकम का नाम हमेशा टू में आता है। अब मिली नहीं है, मिलना बाकी है, इसकी एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में, बाय में लिखेंगे एक्रूड कमीशन, अल्ट प्लस सी से एक्रूड कमीशन का आप यहाँ पे लेजर बना लें। और अंडर में आप इसको डाल देते हैं करेंट एसेट में, क्योंकि ये अपन को मिलना बाकी है, एंटर करके आप इसको सेव कर देते हैं। अमाउंट डाल देंगे आप यहाँ पे और टू में आप लिखते हैं कमीशन, अल्ट प्लस सी से कमीशन का लेजर बना लें, इसको आप अंडर में डाल इनडायरेक्ट एंटर करके सेव कर दीजिए। एंट्री हो जाएगी बाय एक्रूड कमीशन टू कमीशन, क्योंकि मिला नहीं है, मिलना बाकी है।
ठीक है, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और अनक्रूड क्या होता है, जो एडवांस में मिल जाएगी। ऐसे इनकम जो अपन तो एडवांस में मिल चुकी है, उसके लिए सेवा देना बाकी है। इनकम मिल गई मतलब आपको केस मिला है, अपने पास केस आ रहा है, एंट्री आप किस में करेंगे, एफ से रिसिप्ट वाउचर में, और टू में लिखेंगे इनकम का नाम। अब आप अल्टर प्लस सी से जब लेजर बनाएंगे तब आप क्या लिखेंगे, अनक्रूड। इसमें अपन ने अभी लेजर बनाया, जैसे आपको कमीशन मिला नहीं है मतलब एडवांस में मिल जाए, इससे पहले क्या था, मिलना था लेकिन मिला नहीं था, और ये क्या है, एडवांस में मिल जाए, तो टू में आप लिखेंगे अनक्रूड कमीशन, अमाउंट डाल देना, और यहाँ पे आप बाय में लिख देंगे केस, क्योंकि अपन को केस मिल रहा है। अब अगर ये आपको फोन पे से वगैरह से एडवांस मिलता मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता तब आप बाय में केस की जगह पे बैंक लिख देते और एंटर करके सेव करते, क्लियर। और अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा बनता है, आपको कमीशन मिलना था 20,000 रुपये, लेकिन जिसमें से 10,000 मिल गया, 10,000 मिलना बाकी है, मिलना बाकी है तो एक्रूड इनकम है, क्योंकि अपन तो प्राप्त होना था लेकिन अभी तक मिला नहीं, तब आप एंट्री एफ से रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं, दोनों एंट्री ऐसा कर सकते हैं, दो है, मिल भी गया है और मिलना बाकी भी है, एक रिसिप्ट में हो जाएगी एक जनरल में, और अगर आप चाहते हैं दोनों एक साथ एक ही वाउचर में हो जाए तब आप टू में यहाँ पे लिखना कमीशन, ठीक है। मिलना कितना था अपन को 20,000, आपको बाय में कैश कितना मिला है 10,000, और जो मिलना बाकी है वो क्या हो जाएगा, एक्रूड। तो बाय में आप यहाँ पे लिख देना एक्रूड कमीशन, इसमें अमाउंट आ जाएगा 10,000, एंट्री हो जाए टू कमीशन बाय कैश बाय एक्रूड कमीशन, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव करें। अब क्लियर, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड अनेक्रूड, अब इनमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कर लेंगे अब एंट्री, किसी में कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आप लोग सॉल्व कर